एक बार गुरु नानक अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले हुए थे। चलते चलते शाम हो गई और उन्होंने उसी पास के गांव में रात गुजारने का निश्चय किया। जब वो लोग वहां पर उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस गांव के लोग जो हैं वो बिल्कुल भी अतिथि सत्कार करने वाले नहीं हैं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब बड़े स्वार्थी हैं, कुछ नहीं। खैर, महाराज जी अपने शिष्यों के साथ एक जगह थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठे करके शिष्य लाए, आग वाग जला के और अपना जो कुछ भी उनके पास सूखा सूखा था खा के किसी तरह उन्होंने रात गुजार। सुबह जब वो लोग वहाँ से गुजरने लगे तो महाराज ने कहा, उन सबको आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप लोग हमेशा फले फूले खुश रहें, आप लोग हमेशा सब यहीं के यहीं बने रहें और सुख शांति से रहें, सब यहीं फले फूले बने रहें। ऐसा कहकर महाराज जी चले गए। फिर आगे यात्रा पर चलते रहे। शाम हुई तो उस बार उन्होंने सोचा कि अब एक दूसरे गांव में टाइम बिताने का निश्चय किया कि रात आज यहाँ गुजारी जाए। अब उस गांव के लोग बहुत अतिथि सत्कार करने वाले थे, बहुत अच्छे थे वो लोग। कोई अपने घर से कुछ ले आया, कोई मेवे ले आया, कोई पकवान बना के ले आया। सुबह जब वो वहाँ से गुजरने लगे तो सारा गाँव इकट्ठा हो गया। महाराज जी ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा कि मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ, आप लोग खूब फले फूले चारों तरफ फैल जाएं और आप लोग सब तरफ बिखर जाएं। ऐसा कहकर आशीर्वाद देकर वो चले गए। तो महाराज जी का शिष्य एक था, उसके दिल में बड़े प्रश्न उठ रहे थे, उसको ये चीज़ हजम नहीं हो रही, आखिर उसे सब्र नहीं हुआ। थोड़ा आगे चलकर उसने कहा कि महाराज, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, पर पहले जिस गांव में हम रुके वहाँ के लोग इतने बदतमीज थे, इतने ख़राब थे, किसी ने हमारा सत्कार नहीं किया, किसी ने मतलब आपकी कोई सेवा चाकरी नहीं की, लेकिन जब आप गुजरने लगे सुबह वहाँ से निकलने लगे गांव से, तो आपने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम लोग स्वस्थ रहो, फलो फूलो, हमेशा इसी गांव में बने रहो। और दूसरे दिन जिस गांव में हम रुके वहाँ के लोग बल्कि इतने अच्छे थे, इतने दयालु थे, इतना सत्कार करने वाले थे, सेवा भाव वाले थे, पर जब आप वहाँ से निकलने लगे तो आपने उन्हें आशीर्वाद में कहा कि तुम सब इधर उधर बिखर जाओ। तो वो बेचारे इतने सज्जन लोग थे, उनका घर बार सब उजड़ जाए, वो सब इधर उधर बिखर जाए, आपने उनको ये आशीर्वाद क्यों दिया, मुझे समझ में नहीं आया। तो गुरु नानक थोड़ा मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा, मैंने पहले गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया कि तुम लोग वहीं बने रहो, फले फूले रहो, अपने गांव में ही रहो। उसकी मेन वजह ये थी कि उनके अंदर जो कुछ भी दुर्गुण हैं वो बस उस छोटे से गांव तक ही सिमट के रह जाएं, वो पूरे चारों तरफ दिशाओं में ना फैलें। और इसके विपरीत दूसरे गांव के लोग जिनके अंदर दया भाव है, सेवा भाव है, ये सारे मानवीय गुण हैं, प्रेम है, सद्भाव है, तो ये सारे मानवीय गुण चारों दिशाओं में फैले, सब तरफ फैले, इसलिए मैंने उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि तुम लोग चारों ओर बिखर जाओ, चारों ओर फैल जाओ। महाराज की इस बात को सुनकर उनके शिष्य ने हाथ जोड़ लिए शर्मिंदा होकर और कहा, हाँ महाराज, अब मुझे आपकी बात समझ में आई। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुखसार खान और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सुनाई ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, स्टोरी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह अपना प्यार मुझे देते रहिए। बाय बाय।